हाय, माई सेल्फ इज आदेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेकी आदेश। तो जैसे आपको पता होगा कि मैं एक सीरीज अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस की, जिसमें मैं बात करता हूँ ओ लेवल के पाइथन सब्जेक्ट के बारे में। तो पाइथन की जैसे मैं दो क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूँ, जिसमें मैंने बात की थी इंट्रोडक्शन टू पाइथन के बारे में, पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में, इफ एल्स लूप के बारे में, पाइथन के बारे में। तो आफ्टर द टू मॉड्यूल्स, आफ्टर टू क्लासेस, मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मैंने ये सेट बनाया है एंड आई होप कि मैंने इसको इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि अगर आप जुलाई 2021 के एग्जाम में अगर आप अपीयर होते हो, तो उसके लिए मैंने ये एक सैम्पल पेपर इसमें बनाया है, जिसके अंदर मैंने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाले हैं अपनी तरफ से, जिस तरीके के एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप लोगों से, फिर मैं एक बार फिर से आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि बाकी के जो पुराने वीडियोज हैं वो चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने क्लासेस में पाइथन को एक्सप्लेन किया हुआ है। और दूसरी चीज, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, सो दैट इस तरीके के जितने भी वीडियो मैं लेके आता हूँ उनकी सबकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले, जैसे आपको पता होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेट में पहला जो सेट होता है उसके अंदर होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी चार ऑप्शंस आपके पास होते हैं और आपको उसमें एक आंसर को टिक करना होता है। तो आपको इसमें बताना है, जैसे हम पहले क्वेश्चन में ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है कि अगर पाइथन जो है, पाइथन इज रिटन इन विच लैंग्वेज, राइट? यानी पाइथन जो लैंग्वेज है वो किसके अंदर लिखी हुई है। पाइथन खुद एक लैंग्वेज है, लेकिन उसको भी कोडिंग करने के लिए कोई दूसरी लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, पड़ी होगी, राइट? तो वो कौन सी लैंग्वेज है जिसमें लिखी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इंग्लिश नहीं है, पीएचपी नहीं है, जावास्क्रिप्ट नहीं है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप फिर से इसको ध्यान से देख लीजिए। पाइथन जो हमारी कोडिंग हो रखी है वो रखी है सी लैंग्वेज में, यानी जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग हो रखी है वो हुई है सी लैंग्वेज में। आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए मैं सेकंड क्वेश्चन पे जाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में हम बात करेंगे पाइथन का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, राइट? तो पाइथन का फाइल एक्सटेंशन अगर आप देखोगे तो हमारे पास ऑप्शंस हैं डॉट पाइथन, डॉट पी वाई, डॉट पी और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी डॉट पाई। तो डॉट पाई, हम जो भी पाइथन की स्क्रैच फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन हमारा होता है डॉट पाई। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें हमसे पूछा गया है हाउ वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास ए, यानी अगर हमारे पास एक क्लास है ए तो उसका ऑब्जेक्ट हम किस तरीके से बनाते हैं। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ये ए वाला, इसमें हमारा ये ए ऑब्जेक्ट होता है स्मॉल ए, और ये जो है सेकंड वाला, ये क्लास का नाम होता है। तो हमारे पास क्लास का नाम था ए, कैपिटल ए। तो अगर हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें किस तरीके से बनाना होता है, जैसे मैंने ये ए ऑब्जेक्ट ऑप्शन में डिफाइन करा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर जो मैं ये पीडीएफ की फाइल अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप इसको डिस्क्रिप्शन में, आपको आपको इसका ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। आप कमेंट करके मुझे अपनी ईमेल आईडी के साथ, मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज छोड़िए, मैं आपको आपकी ईमेल पे ये भेज दूंगा, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमने देखा है, क्या क्वेश्चन है हमारा, इन पाइथन कंस्ट्रक्टर्स आर डिफाइंड बाय, राइट? तो कंस्ट्रक्टर किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो हमसे पूछा गया है। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में बताना है कि पहला ऑप्शन है सेम एज द क्लास नेम, यानी अगर मैंने ए नाम की क्लास बनाई है तो उसी नाम का अगर मैं फंक्शन बना देता हूं तो वो कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। बट ये पाइथन में नहीं होता, ये जावा में होता है। जो हमने ऑब्जेक्ट का नाम रखा, क्या उसी नाम का कंस्ट्रक्टर बनता है, ये भी नहीं। एनी फंक्शन नेम यानी कोई भी नाम हम रख दें, ये भी नहीं। तो पाइथन के अंदर जो कंस्ट्रक्टर बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं अंडरस्कोर इनिट फंक्शन से। तो ये जो है आपका डी, वो करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन पेयर, है ना? तो ये जो कलेक्शन एलिमेंट होते हैं आपके लिस्ट सेट टपल, उनमें हमारे एलिमेंट पेयर में स्टोर नहीं होते। तो पेयर में जो एलिमेंट, हमारे एलिमेंट स्टोर होते हैं यानी की और उसके साथ उसकी वैल्यू, ये स्टोर होते हैं हमारे डिक्शनरी में। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी के डिक्शनरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज, यानी पाइथन लैंग्वेज के अंदर ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो कि जो ऐसा कौन सा इसमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है,
राइट, कीवर्ड आप जानते होंगे वो रिजर्व वर्ड होते हैं, उनको हम अपनी कोडिंग में यूज नहीं कर पाएंगे। तो ट्राई जो है वो कीवर्ड होता है, उसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज करते हैं। उसी तरीके से एक्सेप्ट भी कीवर्ड होता है, इसको भी हम यूज करते हैं। रेज को भी हम यूज करते हैं अगर हमें कोई एक्सेप्शन थ्रो करनी होती है एक्सप्लिसिटली। बट वेल जो फंक्शन है, वेल फंक्शन ये जावास्क्रिप्ट में होता है, ये कीवर्ड पाइथन में नहीं होता। तो इसका सही आंसर है वेल। वेल इज द कीवर्ड जो कि कीवर्ड नहीं है पाइथन में, ऐसा वेल कोई इस नाम का कोई रिजर्व वर्ड नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बताया गया है आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इसमें राउंड फंक्शन हमारे साथ अप्लाई करा गया है। तो राउंड फंक्शन क्या करता है पाइथन के अंदर, उस फंक्शन की जो राउंड ऑफ वैल्यू होती है वो निकाल के दे देता है। फॉर एग्जाम्पल 4.57, तो देखो इसकी राउंड ऑफ वैल्यू जो नियरेस्ट वैल्यू होगी वो होगी 5, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 5 होगा। अगर ये 4.4 होता, सपोज 4.9 होता, तो फिर 4 दे देता, यानी जो नियरेस्ट वैल्यू होगी वो दे देगा। तो इस केस में देगा ये 5, राइट। तो 4 भी गलत आंसर है, 4.576 भी गलत आंसर है, क्योंकि डेसिमल नहीं हटाएगा, ये गलत आंसर है, इसका वो है 5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 6-7 क्वेश्चंस में आपको बता चुका हूं मल्टीपल चॉइस के, अगले सेगमेंट में आने वाले हैं ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम और फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप बने रहिए पूरे वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बाकी सेगमेंट के क्वेश्चन भी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। आपको क्या लगता है, ये गैस कर, आप साथ में गैस करिए, मेरे क्वेश्चन के आंसर बताने से पहले आप खुद ही गैस करिए। अब करते हैं बात कन्वर्ट स्ट्रिंग वैल्यू टू इंट, यानी स्ट्रिंग वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है। तो ये पार्स इंट वगैरह जावा में फंक्शन होते हैं, इंटीजर इसमें नहीं होते, इसके अंदर फंक्शन होता है हमारा इंट, इंट फंक्शन। और इसके अंदर अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू पास कर देते हैं तो ये हमारा कन्वर्ट कर देता है उसको स्ट्रिंग में। इसलिए 1.8 का करेक्ट आंसर है ए। अगला फंक्शन कह रहा है प्रिंट फंक्शन बाय डिफॉल्ट टेक द कर्सर आफ्टर प्रिंटिंग, यानी जो प्रिंट का फंक्शन होता है वो प्रिंट करने के बाद हमारे कर्सर को कहां ले जाता है, टू द सेम लाइन, क्या सेम लाइन पे रखता है। जैसे सी में अगर हम बाय डिफॉल्ट देखें प्रिंट टैब, तो वो हमारा कर्सर को सेम लाइन पे रखता है। आफ्टर द टैब, यानी टैब के बाद हमारी आउटपुट चली जाती है, नहीं ऐसा भी नहीं होता, टू द नेक्स्ट लाइन या फिर नन ऑफ दैट। तो इसका जो आंसर है वो है टू द नेक्स्ट लाइन, यानी आपका बाय डिफॉल्ट कर्सर, आपके प्रिंट फंक्शन आपका कर्सर को नई लाइन पे स्विच कर लेता है। अगर आपको उसी लाइन में रखना है सेम लाइन पे, तो आपको उसको एक्सप्लिसिटली रोकना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट फंक्शन आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देता है। तो ये थे क्वेश्चन 9th क्वेश्चन। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि सॉर्ट फंक्शन जो होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है। सॉर्ट फंक्शन अरेंज द लिस्ट एलिमेंट, लिस्ट के एलिमेंट पर अगर हम सॉर्ट फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है, क्या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है, क्या वो दोनों काम करता है, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो वैसे सॉर्ट फंक्शन मैं इसका आंसर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बता देता हूँ। वैसे तो सॉर्ट फंक्शन जो है आपका दोनों काम करता है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में अरेंज करता है। लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना हो तो डिसेंडिंग के लिए आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। तो अगर आप सॉर्ट के अंदर पास कर देते हैं रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो ये ऑटोमेटिकली उस सॉर्टिंग को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। लेकिन इस फंक्शन के अंदर मैंने आपसे डिसेंडिंग की कोई बात नहीं की है, तो इसका आंसर था इट अरेंज द लिस्ट इन टू असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करता है। तो देखा जाए तो आपका आंसर बोथ भी ठीक है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, क्योंकि सॉर्ट के अंदर मैंने रिवर्स इक्वल टू ट्रू की बात नहीं की। अगर रिवर्स इक्वल टू मैं ट्रू लिखता तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर इसका आंसर बन जाता। तो इसीलिए मोस्ट सुटेबल आंसर है 10th क्वेश्चन का ए ऑप्शन। तो अभी तक मैंने, हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी तक बताए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है, जिसमें हम आपसे बात करेंगे ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप भी गेस करते रहिए मेरे साथ जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर आपको लगता है कि कोई आंसर इससे डिफर है या फिर कोई आंसर हो, तो जरूर मेरे से कमेंट बॉक्स में बताइए और आप मुझे सजेशन दीजिए किस तरीके क्वेश्चन मुझे और इन्वॉल्व करनी चाहिए। तो चलिए अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे ट्रू फॉल्स के बारे में। तो चलिए मैं पहले ये जो टिकर है वो हटा देता हूँ यहाँ से,
ओके अब ट्रू फॉल्स में चलते हैं। सबसे पहला ट्रू फॉल्स है हमारा, इसमें मैं हाथ के हाथ ही आपको यहाँ पे बताता रहूंगा। तो पहला ट्रू फॉल्स है जिसमें हमसे बात की गई है कि पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके वेरी नाइस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग पाइथन क्या एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? तो पाइथन हमारी ऐसी लैंग्वेज है जो प्रोसीजरल को भी सपोर्ट करती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करती है। यानी पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन कैन नॉट बी यूज टू कनेक्ट विद एक्सेल फाइल। यानी पाइथन को हम एक्सेल फाइल के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल फॉल्स है। राइट यानी आपका ये आंसर सही नहीं है, इसलिए आपको बताना है इसके अंदर ये फॉल्स है। वी कैन क्रिएट यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन इन पाइथन। यानी पाइथन के अंदर आप चाहो तो अपने यूजर की बनाई हुई एक्सेप्शन भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डिवाइड बाई जीरो का केस होता है तो वो एक्सेप्शन होती है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम खुद की अपनी एक्सेप्शन बना ले तो वो बिल्कुल हम कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड लास्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट मे बी एक्सेस्ड बाय इंडेक्स माइनस टू। तो अगर आपके पास ये लिस्ट है, सपोज इसके अंदर इस तरीके से एलिमेंट है, तो जो पहला एलिमेंट होता है वो इंडेक्स होती है हमारी जीरो, अगला एलिमेंट की वन, इस तरीके से इंडेक्स बढ़ती है, लेकिन हमारी इंडेक्स रिवर्स में भी चलती है। तो ये लास्ट वाला इंडेक्स एलिमेंट माइनस वन भी होता है, फिर इधर को माइनस में चलेगी माइनस टू। तो वो कह रहा है द सेकेंड लास्ट एलिमेंट, यानी ये वाला जो एलिमेंट है उसको कह रहा है वो, इट मे बी एक्सेस बाय इंडेक्स माइनस टू। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले वाले सबसे लास्ट वाले की इंडेक्स होगी माइनस वन और सेकेंड लास्ट जो एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स होगी माइनस टू, तो ये बिल्कुल ट्रू है। तो फोर्थ जो है वो ट्रू होगा। उसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन, क्लास इज द कीवर्ड टू क्रिएट ए क्लास इन पाइथन। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्लास बनाने के लिए आपको क्लास कीवर्ड का ही यूज करना होता है। तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये तीनों आंसर करेक्ट है। उसके बाद है matplotlib is a low level graph plotting library in python that serves as a visual utility। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये भी आंसर आपका ट्रू है। अगला फंक्शन है tell method returns current position of file object। तो बिल्कुल tell फंक्शन का यही काम होता है, इसलिए ये भी ट्रू है। तो हमेशा मैं आपको ये चीज और बीच में बता देता हूं इंटरप्ट करके कि कभी भी इस तरीके से आंसर प्लॉट मत करिए कि पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फिर अगला फिर ट्रू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है सारे कंजुकेटिव ट्रू आते रहें या फिर एक साथ फॉल्स भी आ जाए, ऐसा कोई ऑर्डर कहीं से प्रीडिफाइंड नहीं होता। तो मेरा सजेशन यही है, मैंने इसीलिए चार क्वेश्चन आपको एक साथ ट्रू डाले ताकि आपका वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वी कैन नॉट क्रिएट वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इन पाइथन। तो क्या पाइथन हमारी सिर्फ कंसोल एप्लीकेशन की यूज होती है या फिर हम उसके अंदर वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं? तो इस क्वेश्चन में हमने बोला हुआ वी कैन नॉट क्रिएट, यानी हम नहीं बना सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम बना सकते हैं, इसीलिए ये भी हमारा फॉल्स है। राइट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें बोला गया है ए वन इज इक्वल टू ए आर आर डॉट एरे। इस तरीके से हम एरे डिक्लेयर करते हैं और ये टाइप बताता है कि किस टाइप का एरे है आपका। तो डी डिनोट्स फॉर इंटीजर, इंटीजर वैल्यू के लिए हमारा डी डिनोट करता है, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू है वो है हमारी फ्लोट टाइप की। और हमारा क्वेश्चन कहता है इट इज एन एरे ऑफ इंटीजर टाइप। तो डी तो हमारा बिल्कुल इंटीजर टाइप का है, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं ये फ्लोट हैं, इसीलिए ये भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का एरे फिर नहीं हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें कहा गया आपसे पाइथन मॉड्यूल्स कैन गेट एक्सेस टू ए कोड From another module by importing the file function using import। तो बिल्कुल अगले मॉड्यूल को अगर हमें इम्पोर्ट करना होता है किसी भी मॉड्यूल को, तो हम इम्पोर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे टिक इंटर इम्पोर्ट करना है, टर्टल करना है, एक्सेल के लिए कोई भी करना है, तो हम इम्पोर्ट फंक्शन का यूज करते हैं दूसरी क्लास के फंक्शन को यूज करने के लिए या दूसरे मॉड्यूल को यूज करने के लिए। तो इसलिए ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो इसमें ये ध्यान मत रखना कि हमेशा आपके पांच क्वेश्चन ट्रू होंगे, पांच क्वेश्चन फॉल्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मेरे जो बनाया था इसमें आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ट्रू हैं, 3 फॉल्स हैं। तो कुछ भी हो सकता है कॉम्बिनेशन, 6, 4 का हो सकता है, 5, 5 का हो सकता है, 7, 3 का हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। और ऐसा कोई ऑर्डर भी नहीं है कि पहला क्वेश्चन ट्रू है तो दूसरा फॉल्स ही होगा। तो दो सेगमेंट हम कर चुके हैं जिसमें हमने बात की मैच द कॉलम की और ट्रू एंड फॉल्स। अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जो है हमारा, अभी तक हमने बात की मल्टीपल चॉइस और ट्रू फॉल्स की, अब हम चलते हैं मैच द कॉलम की तरफ। तो चलिए अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं।
तो मैं अभी इसको रफ कर देता हूँ और अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे मैच द कॉलम की। मैच द कॉलम को आप बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत ट्रिकी पार्ट होते हैं मैच द कॉलम में, क्योंकि अगर हमारा एक आंसर गलत होता है इसमें तो वो आपका दूसरे आंसर को भी गलत करने का इम्पैक्ट रखता है। क्योंकि अगर मैंने किसी एक को टिक कर दिया और गलत आंसर को मैंने टिक कर दिया, इसका मतलब अब मैं उसके साथ दूसरे आंसर को भी गलत करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो 3.1 का अगर सपोज सी था और मैंने लगा दिया F, तो यानी C में फिर किसी और के साथ लगाऊंगा जो कि किसी और का आंसर होगा। तो इसीलिए एक क्वेश्चन आपके कई आंसर को, अगर आपने एक गलत किया तो फिर आप कई गलत उसके साथ कर सकते हो, जबकि ये काम ट्रू फॉल्स में नहीं होता, क्योंकि उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन के साथ कुछ आंसर जुड़े होते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से आपको करना होता है, मैच द कॉलम और फिल इन द ब्लैंक्स को आप बहुत ध्यान से भरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है पाइथन मॉड्यूल फॉर GUI एप्लीकेशन। अगर आपको कंफ्यूजन होता है, आपको नहीं पता कि इसका क्या करेक्ट आंसर है, तो सबसे पहले आप मोस्ट प्रोबेबल केस जो बन सकते हैं उनको लिखिए, उसके बाद फिर आप डिसाइड करिए कि इन दोनों में से कौन सा हो सकता है। दो या तीन ऑप्शन अगर आपको लगते हैं तो फिर आप डिसाइड करिए, पहले सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल आंसर देख लीजिए, अगर आपको आंसर नहीं पता है। अगर पता है तो वेल एंड गुड है, मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि आप कम से कम वेल प्रिपेयर्ड होकर जाइए। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि पाइथन मॉड्यूल फॉर GUI एप्लीकेशन। तो मुझे तो पता है, मैं आपको हेल्प करके बता देता हूं कि इसका जो आंसर है वो है आपका पाइथन का ऐसा कौन सा मॉड्यूल है जो GUI एप्लीकेशन बनाने के काम आता है। तो वो आपका मॉड्यूल है पाइथन, बिल्कुल नहीं है एडिटर पर पाइथन कोडिंग नंपाई, ये कोई नहीं है। दिस ब्लॉक मेक्स कोड कॉम्प्लेक्स नंबर, इट मे पाइथन मॉड्यूल फॉर GUI एप्लीकेशन। इसमें आंसर कहाँ चला गया, आंसर तो मैंने इसमें डाला था। ओके, लेट्स सी, डेफ एडिटर नंपाई दिस ब्लॉक पीआईपी स्टोर सिमिलर यूज टू मेक कमेंट इन पाइथन दिस ब्लॉक, ये नहीं है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लो यहाँ पे मेरा आंसर होना चाहिए था। देख लेते हैं, इधर तो मैंने कहीं नहीं डाल दिया, नहीं बिल्कुल नहीं, वो आंसर मेरे से मिसटाइप हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो आंसर इसका हो जाएगा टर्टल। क्या आंसर हो जाएगा, टर्टल। टर्टल ऐसा मॉड्यूल होता है जिसकी हेल्प से हम टर्टल, ये क्यू वाले को मैं बना देता हूँ इसका आंसर, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर हो गया M, M में सोचो क्यू नहीं है आंसर, जबकि है टर्टल, टी यू आर टी एल ई, एक बार देख लेते हैं, टर्टल मैंने कहीं टाइप तो नहीं करा, बिल्कुल नहीं। तो जो मेरा M आंसर है, क्यू जहां पे लिखा हुआ था यहां पे होना चाहिए था टर्टल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें मैंने सुबह लगाया लिस्ट, राइट। लिस्ट क्या काम करती है, तो लिस्ट के लिए डेफ तो बिल्कुल नहीं है, एडिटर भी नहीं है, नंपाई भी नहीं है, दिस ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक ऑप्शन मुझे ये मिला जो मुझे लगता है स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, और इसी तरीके का एक और मिला मुझे, बहुत ध्यान से देखिए, इट मे स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ द एलिमेंट्स, यानी दोनों में से एक होगा, क्योंकि हमारे मल्टीपल एलिमेंट को स्टोर करने के काम आती है लिस्ट, लेकिन क्या वो एक जैसे एलिमेंट को स्टोर करती है या डिफरेंट टाइप को भी कर सकती है। तो अगर आपको पता होगा तो लिस्ट जो है वो अलग अलग टाइप के एलिमेंट को भी स्टोर कर सकती है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका के, ठीक है। आपको लग रहा होगा आप बहुत जल्दी एक्साइटेड होके एक आंसर को टिक मत करिए, पूरा देखिए, स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ द एलिमेंट्स की, हाँ एलिमेंट को स्टोर कर लेती है मल्टीपल को, ऐसा नहीं है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को भी स्टोर कर लेती है, इसलिए इस केस में मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपका हो गया के। अगला फंक्शन है कीवर्ड टू डिक्लेयर ए फंक्शन। किस कीवर्ड से आप फंक्शन डिक्लेयर करते हो, पहली मुझे दिख रहा है डेफ फंक्शन होता है, यानी कि ए, इसका आंसर हो गया हमारा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कन्वर्ट स्ट्रिंग इन कैपिटल केस। ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो स्ट्रिंग को कैपिटल केस में कन्वर्ट कर देता है, तो वो है आपका अपर केस, ये होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जे, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हैश हमारा क्या काम करता है। तो हमको पता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, हैश जो करता है वो आपका कमेंट बना देता है। तो कमेंट वाला ऑप्शन देख लेते हैं, यूज्ड टू मेक द कमेंट इन पाइथन, तो ये हो गया आपका जी। देखिए अगर सोचो मैंने इसका आंसर कोई और कर दिया तो उसका जो आंसर होगा वो किसी और के साथ होगा, तो वो पूरी नंबरिंग गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। यूज्ड टू इंस्टॉल पाइथन मॉड्यूल, पाइथन का मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए हम कौन सा क्या यूज करते हैं इधर से, तो आप देखोगे तो पीआईपी जो है आपका वो यूज होता है आपका पाइथन का मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए। तो इसीलिए इस 3.6 का आंसर है आपका ई, ठीक है। अगला है एज इक्वल टू 10+5j, जो कि होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको डेटा टाइप पता हो पाइथन के, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम इस तरीके से यूज करते हैं, जिसमें जे वाला जो पार्ट होता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, तो यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, यानी इसका आंसर हो गया आपका एल।
अगला है मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, राइट में देखिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं नंपाई, यानी के सी, इसका आंसर हो गया सी। तो ऊपर से आप नंबरिंग देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है फाइनली, फाइनली क्या काम करता है, आपको पता होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड ये ब्लॉक है, इसमें हम बात करते हैं दिस ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट या दिस ब्लॉक एग्जीक्यूट एट लास्ट। देखिए दोनों सेम जैसे हैं, लेकिन आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है ये ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट करता है, ऐसा नहीं है कि ये ब्लॉक लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, ये ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट होता ही होता है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है आपका, दिस ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट। आपके प्रोग्राम में कोई अगर एक्सेप्शन है तब भी एग्जीक्यूट होता है, अगर एक्सेप्शन नहीं है तब भी ये एग्जीक्यूट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है विजुअल स्टूडियो कोड क्या है, तो इसका बिल्कुल सिंपल आंसर आपको दिख रहा है, दिस इज एन एडिटर फॉर पाइथन कोडिंग, इसका आंसर है बी, ठीक है। तो ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाए हैं जिसमें मैंने बात की है आपसे, तीन सेट में अभी तक कर चुका हूं, पहला सेट था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेकेंड सेट था आपका ट्रू एंड फॉल्स, एंड थर्ड सेट था आपका मैच द कॉलम। अब हमारा लास्ट सेट बचा हुआ है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप किसी क्वेश्चन से डिफर करते हैं तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं इस तरीके के वीडियो जितने बनाता हूं वो आप देखते रहें, आपको उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। ओके, तो अब ये हमारा है लास्ट सेगमेंट जिसमें मैं बात करूंगा आपसे फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। तो इसमें हमारे पास फिर से 10 क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हमें फिर से ध्यान से देखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी हमारे साथ गड़बड़ हो सकती है कि अगर हमने एक गलत ऑप्शन पिक कर लिया तो वो दूसरे क्वेश्चन पे भी इंपैक्ट डालेगा। तो चलिए किस तरीके से हम इसको शुरू करेंगे, इसमें हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है द फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग इन पाइथन। तो ये डायरेक्टली दिख रहा है आपको, ये आंसर है आपका, लेंथ फंक्शन होता है, तो यानी इसका करेक्ट आंसर है ओ। This function is used to find the length of a string. अगर आपको string की length find out करनी है तो आपका length function वो काम करता है। अगला question है the set structure in Python where elements are stored in parentheses. तो दो तरीके की parentheses आपको दिख रही हैं, k और i. लेकिन i वाला जो है ये list के लिए use होता है, set के लिए curly braces वाला use होता है, तो इसलिए इसका correct answer है k. अगले question की तरफ चलते हैं जिसमें हम बात करते हैं the function used to evaluate the value of a string is, तो ये फंक्शन है आपका eval फंक्शन। अगर आपको स्ट्रिंग की वैल्यू को इवेल्युएट करना है तो उसके लिए फंक्शन है आपका eval फंक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर है जे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं द स्ट्रक्चर हैविंग कीज एंड वैल्यू इज कॉल्ड, ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपकी वैल्यूज की और वैल्यू के साथ पेयर्ड होती हैं, तो वो होता है आपका डिक्शनरी, इसका इसलिए इसका आंसर है ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें हम बात करते हैं द फंक्शन जनरेट्स ए सीक्वेंस ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to n, तो वो फंक्शन आपका लूप में काम करता है, और लूप के लिए हम यूज करते हैं रेंज फंक्शन, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है n, राइट n। अगला क्वेश्चन है द स्टेटमेंट लेट्स द प्रोग्राम गो थ्रू द पीस ऑफ कोड विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्शन, तो ऐसा कौन सा फंक्शन होता है, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट होता है जिसमें हम सीधे आगे पास ऑन कर देते हैं बल्कि हम उसको कोई एक्शन नहीं लेते, तो उसके लिए सिंपल सा फंक्शन है पास फंक्शन, तो इसलिए इसका आंसर है एम, पहले का एन और दूसरे का एम, इसका फिफ्थ का एन था और इस बार है सिक्स्थ का एम। द कमांड टू टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर, सिंपल कमांड होती है इनपुट फंक्शन, तो इनपुट के लिए इनपुट कमांड होती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ई। अगला क्वेश्चन है विच फंक्शन इज अप्लाइड ऑन डेटा स्ट्रक्चर टू अपेंड, है ना, अपेंड फंक्शन कौन से डेटा स्ट्रक्चर पे अप्लाई होता है, तो वो होता है आपका लिस्ट के साथ, ठीक है, तो लिस्ट इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि एफ, एफ इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर व्हाइल प्रोग्रामिंग इन पाइथन, तो देखिए क्या दिख रहे हैं आपको, दो आंसर दिख रहे हैं यहाँ पे, इंडेंटेशन और कमेंटिंग, तो कमेंटिंग हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है प्रोग्रामिंग करते हुए, जबकि पाइथन के अंदर अगर आपको पता होगा तो इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं दी तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो आपका बग थ्रो कर देगा, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है जी, यानी हम अगर इंडेंटेशन नहीं करते, सही से ध्यान नहीं देते इसका जी, तो फिर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है इट इज यूज्ड टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल,
फाइल से डेटा रीड करने के लिए हमारा कौन सा फंक्शन यूज होता है, तो वो है आपका सिंपल फंक्शन रीड फंक्शन, यानी इसका आंसर होगा आपका एल। तो ये थे द क्वेश्चंस जिसमें मैंने बात की आपसे फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। तो आइए, इस सेट में मैं आपको बता चुका हूं मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑल्सो। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ आए होंगे और ये क्वेश्चन आपको पसंद भी आए होंगे। मैंने अपनी तरफ से ये क्वेश्चन बनाए हैं और आई होप कि इनमें से कुछ क्वेश्चन हो सकता है आ भी जाएं। आप इसको समझ सकते हो कि एक तरीके से गेस्ट पेपर है आपके जुलाई एग्जाम के लिए। तो जरूर आप इस क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करिए, इस तरीके से और सेट बनाइए, और मैं भी, मेरे पास जितना टाइम होगा मैं और वीडियोज अपलोड कर दूंगा इस तरीके के सैंपल पेपर्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बाकी की थ्योरी क्लासेज भी देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बना के वहां पर मैं डालता रहूंगा अगले वीडियोस। पहले जो दो क्लासेज के लेक्चर्स हैं वो आप देख लीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए और मैं आपके रिप्लाई करूंगा वहां पे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आई एम क्लोजिंग द सेशन नाउ। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन लीव योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, और आप सीधे मेरे से व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, मैं छोड़ता हूं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू।